Hello students, good morning to all of you. Welcome to English class. I'm Seema Sharma with the new topic, that is invitation. Dear students, आज का जो topic रहेगा हमारा 12th class students के लिए है invitation. तो invitation writing के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, invitation कितने type के होते हैं, क्या उसका format रहता है, with marking scheme, I'm going to discuss in this video lecture. Dear students, see the definition. देखिए invitation होते क्या हैं? A written or verbal request inviting someone to go somewhere or to do something. अब सबको पता है कि जो निमंत्रण पत्र दिया जाता है, चाहे वो कोई भी ओकेजन हो, कोई इवेंट हो, कोई पार्टी हो या फिर मैरिज, कोई फंक्शन, किसी भी तरह का जब इस तरह से फंक्शन को होस्ट किया जाता है तो वहाँ पे आपको एक निमंत्रण पत्र दिया जाता है. वो किस फॉर्म में दिया जाता है? जहाँ पे किसी को बुलावा दिया जाता है अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए, तो वो कहलाता है आपका इन्विटेशन, निमंत्रण पत्र. देखिए पहले जो आपका इनविटेशन राइटिंग होती थी, ये दो टाइप का होता है, आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो पहले की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ये 4 मार्क्स का होता था, 1-1 की कैटेगरी में इसको रखा जाता था. लेकिन अब जब वो COVID-19 की वजह से, आपको पता है कि कुछ जो सिलेबस है वो डिलीट कर दिया गया है CBSE की तरफ से, तो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो है, जो फॉर्मेट रहेगा इसका, वो फॉर्मेट में इसका रहेगा 1 मार्क, कंटेंट में भी 1 मार्क और एक्सप्रेशन में भी 1 मार्क. तो ओवरऑल जो ये 3 मार्क्स का आता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ मैं, 3 मार्क्स का आता है ये. इन 3 मार्क्स को इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन जब इसको फ्रेम किया जाता है, इसको अच्छे से राइट किया जाता है, तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि फॉर्मेट ही है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है. कहाँ पर किस वर्ड को यूज़ करना है, बॉक्स बनाना है नहीं बनाना है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, ऐसे कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो आप इनविटेशन में यूज़ करने जा रहे हैं. तो देखिए मैं कुछ की पॉइंट्स है वो यूज़ करने बताऊंगी आपको. उससे पहले देखते हैं कि इनविटेशन जो है वो कितने टाइप का होता है. देखिए इनविटेशन 2 टाइप का होता है, आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. जिस तरह से आप फॉर्मल लेटर राइटिंग करते हैं, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग करते हैं, इस तरह से हमारा इनविटेशन भी राइट किया जाता है. अब देखिए जो फर्स्ट है आपका फॉर्मल और सेकंड है आपका इनफॉर्मल. आजकल तो आपको पता है कि ई इनविटेशन भी आने लग गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक इनविटेशंस होते हैं. तो हम जो फर्स्ट पढ़ रहे हैं फॉर्मल इनविटेशन के बारे में. देखिए जो फॉर्मल इनविटेशन है, इसको भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट है आपका मीन फॉर अ लॉट ऑफ इन्वाइटीज, जिसमें आप बहुत सारे इन्वाइटीज को इन्वाइट करते हैं. ठीक है, आपका एक कार्ड कॉमन रहता है और वो सभी लोगों को सेंड कर दिया जाता है. एक तो आता है इस कैटेगरी में. दूसरा होता है आपका कि मीन फॉर एन इंडिविजुअल, या किसी स्पेशल पर्सन का जो है वो नाम लिखवा दिया जाता है उसके अंदर, नेम ऑफ इनवाइटी का राइट कर दिया जाता है. वो हम फॉर्मेट में सीखेंगे कि किस तरह से होता है. एक होता है इंडिविजुअल के लिए, एक होता है लॉट ऑफ इन्वाइटीज के लिए, कि आप बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं उसके लिए प्रिंट करवा रहे हैं. और दूसरा जो है आपका क्या है, नेम फॉर एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम दे रहे हैं आप. अब देखिए जो फॉर्मल होता है वो आपका इनविटेशन किस तरह से होता है, कि विच फॉलोज अ डिग्निफाइड फॉर्म टोन और स्टाइल इन एग्रीमेंट विद द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स कस्टम्स और वैल्यूज. दोनों में डिफरेंस क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर? जो फॉर्मल इनविटेशन होता है, बातों इन पॉइंट्स का आपको उसके अंदर भी ध्यान में रखना होता है, लेकिन इनफॉर्मल इनविटेशन के अंदर आप जो है वो एक लेटर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, लेकिन वो फ्रेंडली मैनर हो जाता है. जो आपके बहुत ज़्यादा फैमिली हैं, क्लोज हैं, नियर डियर को आप लिखते हैं. तो फॉर्मल के अंदर आपको क्या करना होता है, थोड़ा टोन स्टाइल उसका जो लिखने का जो वे होता है वो डिफरेंट होता है. वो हम सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. तो इसके अंदर आपको देखना होता है कि जो नॉर्म्स कस्टम्स और वैल्यूज होती हैं, उन चीज़ों को सारों को फॉलो करना होता है. वो आता है आपका फॉर्मल इनविटेशन की कैटेगरी के अंदर. तो इसको राइट करने के लिए भी आगे एग्जाम्पल में आप अच्छे से समझ पाएंगे. उसके बाद होता है आपका सेकंड जो होता है इनफॉर्मल इनविटेशन. इनफॉर्मल क्या होता है, कि लेटर रिटन इन फ्रेंडली मैनर टू समवन यू आर फेमिलियर विद, जिसके आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं. जैसे आप कोई बर्थडे पार्टी होस्ट की जा रही है, आप अपने जो हो नियर डियर को बुला रहे हैं उस बर्थडे पार्टी के लिए, तो उसका जो लिखने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है. उसको एक लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है, जिस तरह से आप लेटर को राइट करते हैं, इसी तरह से वो एक लेटर रिटर्न फॉर्मेट होता है आपका इनफॉर्मल के अंदर. उसमें डियर वगैरह यूज़ किया जाता है और कुछ 2 से 3 लाइनों के अंदर उसको राइट करके बताया जाता है. वो कहलाता है आपका इनफॉर्मल इन्विटेशन. अब देखिए कुछ की पॉइंट्स है दैट वी हैव टू कीप इन अवर माइंड. हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है. द फर्स्ट पॉइंट इज थर्ड पर्सन. ठीक है, वो थर्ड पर्सन किस तरह से यूज होगा हम आपको दिखाऊंगे एग्जांपल में. चीफ गेस्ट, अगर कोई चीफ गेस्ट है तो आप उसको मेंशन कर देते हैं इसके अंदर. सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है.
विद इन बॉक्स होता है, और जो वर्ड लिमिट होती है वो लेस देन 50 ही रखे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। वैसे जो इसकी वर्ड लिमिट है वो 50 ही दी गई है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में RSVP लिखा होता है बॉटम के अंदर। वो RSVP जो है वो एक फ्रेंच फ्रेज है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड सिल वोव प्लेट। रिस्पेंड सो जो है वो प्लेट जो है एक फ्रेंच फ्रेज है, इसका मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड। जिस तरह से जो कोई होस्ट है उसका कॉन्टैक्ट नंबर और नीचे जो है एड्रेस लिख दिया जाता है, तो वही उम्मीद करता है भी आप जो है उसका रिस्पॉन्ड करें। तो RSVP को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड या फिर प्लीज रिप्लाई। ठीक है, तो ये थे कुछ की पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद देखिए फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए बॉक्स, बॉक्स आप इस तरह से बना रहे हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इनविटेशन को राइट करते हुए। देखिए होस्ट ऑफ होस्ट मतलब जो होस्ट करने जा रहा है, मतलब किस ओकेजन के लिए, कोई मैरिज वगैरह है, किसी की डॉटर की मैरिज है, किसी के सन की मैरिज है, कि बर्थडे पार्टी है, तो यहाँ पे होस्ट मेंशन होता है टॉप में। उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो पॉइंट नंबर 2 है आपका, यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में कुछ 6 से 7 ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको मैं लिखवा दूंगी, आप उन पॉइंट्स को अच्छे से यूज़ करके बना सकते हैं। उसके बाद पर्पज़ कि उद्देश्य क्या है इन्विटेशन को बनाने का। देखिए यहाँ पे बॉक्स में मैंने कुछ राइट किया है, ये है इनवाइटी। अगर आप इस कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं कि मीन फॉर एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल पर्सन को राइट कर रहे हैं या कि उसी पर्टिकुलर पर्सन को आप बुला रहे हैं, इन दैट केस यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, इनवाइटी। उस इनवाइटी का नाम मेंशन कर देंगे, स्पेशली अगर आप उसको मतलब क्या कर रहे हैं, लोट ऑफ इनवाइटीज के लिए लिख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे राइट करने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे जो है वो बॉक्स बना दिया गया है। इस बॉक्स को वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए ही बनाया गया है। उसके बाद देखिए डे डेट टाइम वेन्यू ये सब लिख दिया है। ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ तो 5 W's, जो W's की फैमिली है उसमें जो 5 W हैं आपके उनको ध्यान में रखना होता है। वो कौन कौन से जो है वो 5 W है, फर्स्ट देखिए व्हाट, व्हाट में है कि रीजन और ओकेजन क्या, अभी क्या कारण है उसके पीछे, अभी क्या पर्पज है इनविटेशन का। सेकंड जो W की फैमिली में है वो है व्हेन, व्हेन का मतलब जो होता है कब, ठीक है, वेन्यू वगैरह जो आप देते हैं इसके अंदर। फिर है हु, कौन, नेम ऑफ होस्ट, कौन उसको जो है वो मतलब इनवाइट करने वाला कौन है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था होस्ट यहाँ पे आ जाता है आपका। उसके बाद है वेयर, वेयर में आप बताते हैं लोकेशन, ठीक है, लोकेशन कहाँ की है। उसके बाद लास्ट आपका हुम, हुम का मतलब होता है टू हुम, किसको वो लिखा जा रहा है। क्लियर है, तो ये 5 ऐसे W हैं जहाँ पे आप जब इसको राइट करेंगे एग्जांपल के थ्रू आपको पता चलेगा किस तरह से 5 W का आपको आंसर मिलेगा। और यहाँ पे जो है आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर RSVP लिख दिया जाता है, प्लीज़ रिस्पॉन्ड, इसका मीनिंग होता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन नंबर आप डाल देते हैं, एड्रेस ऑफ होस्ट, मान लो यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता हैं, उनके जो है वो सन की वेडिंग है, तो आप यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता होस्ट हो जाएंगे, तो उनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आ जाएगा। तो वो एग्जांपल के तो हम देखेंगे किस तरह से जो उनको राइट किया जाता है और उसको किस तरह से उसका रिप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये आपका 3 marks का आता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों इन्विटेशन है, किस तरह से इनको राइट करना है, और प्लस इनका रिप्लाईज दोनों ही बनाना सीखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनविटेशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या इसकी मार्किंग स्कीम रहती है, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। उसके बाद हमने देखा है कि फॉर्मेट किस तरह से फॉलो किया जाता है, कितने जो W की फैमिली के जो 5 मेंबर हैं उनको किस तरह से कैटेगराइज यहाँ पे किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद मोर एग्जाम्पल्स। थैंक यू सो मच।